हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो दिस इज़ माय थर्ड डे इन बेंगलुरु और अभी हम खड़े हैं सुमति के घर पे और सुमति और अपने बहनोई जी के साथ हम लोग निकल रहे हैं आज डे थ्री पे और काफ़ी सारे इन लोगों के प्लान्स हैं। मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, ना रास्ते पता है, तो चलिए देखते हैं और कहाँ कहाँ आज हम लोग चलते हैं। आज तो दोपहर में ही निकल रहे हैं। ये देखिए आज सुमति और अंकुर कंबाइंड फॉर्म में सुमंक, इसीलिए आप सर आपने वीडियो में सुना होगा मैं कहता हूँ कि सुमंक की जोड़ी के साथ हम लोग चल रहे हैं और सुमंक की ही टीम डिसाइड करती है कि कहाँ आज की हम लोगों की ट्रिप है। तो ये इन लोगों की कॉलोनी है, ग्रीन ग्रीन कॉलोनी पूरी। ये इनका घर है, काफ़ी पॉश एरिया में देखिए कॉलोनी है। घर के बगल में आप देख रहे हैं वॉल्सवैगन खड़ी है, उसके बगल BMW, उसके बगल मुशीबुसी, अंदर दो दो BMW और दिख रही हैं। तो काफ़ी जो है ये पॉश एरिया है यहाँ का, सिर्फ बंगलोज ही हैं सभी के। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम लोग रास्ते में। बहुत सारी बातें अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं होती रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको दिख रहा होगा। बार बार मेरे अपने बालों को ठीक कर रहा हूँ और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग कुछ गेस कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आए हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम, जो कि बेंगलोर में है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेशनल फ्लैग। और आज हम इस जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम की आपको सैर कराएंगे। काफ़ी फेमस प्लेनेटोरियम है ये यहाँ का और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि बेंगलोर में इसरो भी है, HAL भी है, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है यहाँ का प्लेनेटोरियम विज़िट हमारे लिए। साइंस पार्क भी है यहाँ और उन्नति होती तो ज़रूर इस साइंस पार्क को बहुत इन्जॉय करती। हम जहाँ जहाँ भी घूम रहे हैं हमें नेहा और उन्नति के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखिए ये इसरो का घुसते ही सैटेलाइट, ये रॉकेट हमें दिख रहा है इसरो का, एक मॉडल है उसका ये। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। हेलो, और आज ये फ्रेंड्स देखो येलो येलो दोनों लोग हैं। ओके, अब ये है रेजोनेंट पेंडुलम से, ये रेजोनेंट तो नहीं होंगे, अब हवा चल रही है। लेकिन इनका जो ये होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन इन गोइंग हायर एंड मिनिमा सेम होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ मास एंड लेंथ। Thank you.
अब आते हैं हम वॉक टू द वे योर सेल्फ. दिस प्लेटफॉर्म हियर इज लोडेड एट वन एंड एंड रेस्टिंग ऑन अ फल्क्रम. नहीं नहीं भाई, आप ये वेइंग मशीन है एक तरह की, मार्स में एक तरफ वेटेड है और तो फल्क्रम ये लगा हुआ है. अब जितने भी वो बराबर आ जाएगा ये देखिए. That is between 60 to 70. अब वो नहीं नहीं 60 से 70 के बीच में. 65. हाँ. क्या बात है. पागल हो. 65. बहुत परफेक्ट करता है. नीचे थोड़ी जाएगा, बराबर होगा. 70 से कम हो गए हम 4 दिन में. फोटो मार्स पे कितना वेट होगा? मार्स पे कहाँ पता. हाँ, दो स्केल हैं, एक अर्थ की है एक मार्स की है. ये अर्थ का है और ये मार्स का है. हाँ देखो हम करते हैं. लो हमारा तो घोषित है 80 है. आगे चलो, ये देखो क्या है. This is Mobius strip. So generally, thin and flat objects have two faces. One face to cross over the edge to move one face to the other. Now keep moving your hand along one end of the face of this odd-looking object, and until you return the point where you started, you will have crossed over the edge without actually crossing over. समझा आप लोगों ने? कि अगर हम जैसे यहाँ से हाथ रख के शुरू करते हैं तो जब तक हम पहुँचेंगे हमने देखा कि हमारा हाथ उसी सरफेस से रहना चाहिए, लेकिन उस सरफेस से ये नीचे चला गया, अंदर की ओर हमारा हाथ चला गया. ये देखिए, आउटर सरफेस से हमारा हाथ अंदर सरफेस की तरफ चला गया जबकि उसको बाहर की तरफ ही रहना था. अच्छी साइंस की टिप्स हैं यहाँ पे छोटी छोटी. अब यहाँ पे देखते हैं, ये है पुलीट एंड वेस्ट ऑन इंक्लाइन ट्रैक्स. क्या है ये? ये है कि इंक्लाइन ट्रैक्स पे पुली का वेट. हाँ, काइंड ऑफ पुली वेट. इंक्लाइन पे एंगल होगा, उसका वेट ज्यादा होगा. वो भी अच्छा है वो वाला. उस पे एक सरफेस पे हाथ रखोगे और जब घुमाओगे पूरे सरफेस पे तो उस सरफेस की जगह उसके पीछे वाले सरफेस पे हाथ चला जाएगा. देखो
अब हमें जो ये दिख रहा है ये कुछ ग्लोब जैसा दिख रहा है, आइए देखते हैं। ये तो ग्लोब लग रहा है, ग्लोब की क्या है ये, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है। हाँ ये यूज हैंडल टू रोटेट, अच्छा दिस इज ग्लोब। ना ये देखिए इसको, ये रोटेट करने पे ये इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा और घुमाओ, इंडिया तक पहुंचाओ, इंडिया तक। और ये ऑस्ट्रेलिया से चलते चलते, हाँ बस बस मलेशिया जकार्ता पार हो रहा है। आगे चलो और थोड़ा सा, इंडोनेशिया दिखने लगा है। और ये देखिए ये आ गया हमारा इंडिया। ओके गुड जॉब। दिस इज सन डायल सोलर वॉच, इससे टाइम मेजरमेंट लेते हैं शेडो के थ्रू। सन डायल है, सोलर वॉच। हाँ ये वो आकृति जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। विस्परिंग डिस्क, नहीं ये नॉइस रेजोनेटर्स हैं। और हर पाइप, अलग अलग पाइप चाहिए, और हर पाइप के एंड पे जब हम कान लगाएंगे तो अलग अलग आवाज़ आएगी। लगाओ देखो, उस तरफ से लगाओ, हम बोलते हैं इस तरफ से, बताना प्रिया 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 सातों में ना, हाँ तो इसीलिए इनको बोलना है। तो अरे नॉइस रेजोनेटर्स, और ये 9 प्लैनेट्स भी बने हुए हैं साथ में। ये नेपट्यून है, ये यूरेनस है, और इस पर देखते हैं म्यूजिकल पाइप्स। हाँ ये विंड चाइम्स के जैसा है, सबकी अलग अलग पिच है। करो स्टेशनरी थे, और जैसे जैसे रोटेट कर दिए गए ये है सैटर्न, ये डबल फोन।
प्लेस द डबल फैन एट द लोअर एंड ऑफ द इंक्लाइंड व्हील इट ट्रैवल्स टू इट्स एंड ऑफ द अपर एंड देखिए सो जैसा कि देखा आपने दिस इज ड्यू टू सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास है जिसके कारण से वो कौन मूव कर रहा है तो ये देखो ये कौन लोअर टू अपर मूव कर रहा है। चलो इसको इधर रखो उधर से पकड़ो देखो तुम्हारे काम की चीज ये है सम्राट यंत्र जुपिटर अगेन हम आगे अपने इस रॉकेट के प्रोटोटाइप के पास इसरो इंडिया PSLV दिस इज टेंसिविटी आर्क टेंशन एंड इंटीग्रिटी मेंटेड बाय दिस सेमी सर्कुलर यही है टेंशन एंड इंटीग्रिटी दिस इज आर्किमिडीज पंप ये आर्किमिडीज पंप है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिवाइस यूज टू पंप वाटर फॉर इरीगेशन समझिए घुमाने से नीचे से पानी ऊपर आ ये सुमति ने चलाया और ये पानी गिरा नीचे से पानी पुलअप होके ऊपर आ गया ये है आर्किमिडीज की पंप जिससे पहले वो कूलर चलाते थे नहीं बेसिकली इरिगेशन भी यूज होता था वाटर ड्रॉ करने के लिए और ये हमारा सोलर सिस्टम है
ये सन, सन के बाद से ये सारे 9 प्लैनेट्स यहाँ से वहाँ तक लगे हुए हैं। नाउ दिस इज इको ट्यूब, पोजीशन योर ईयर एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड क्लैप योर हैंड, इको ऑफ द क्लैप क्रॉस्ड बाय द रिफ्लेक्शन द फार एंड ऑफ द पाइप कैन बी डिस्टिंक्टली हर्ड। तो ट्राई करके देखते हैं फ्रेंड्स, ये है रोब्राइवल बैलेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस, इसके बारे में डिटेल में अभी हुई है। चार मास्टर्स दिए गए हैं, इसको तो ये तो बैलेंस हो गई, नीचे की रॉड ऊपर की भी देखते हैं। बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किसी भी मास को कितना भी आगे या पीछे कर दीजिए। रिवाइवल बैलेंस में इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ मासेस, दिस इज ऑप्टिकल ट्री, ऑप्टिक्स इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन कैन बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड कैन इज लाइट इंटरैक्ट विथ मटीरियल। दिस एग्जिबिट हैज 8 सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इंडिकेट्स अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये 8 सेगमेंट्स हैं और इनसे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, डिश रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन ये सब कुछ हम इससे देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए एक प्रिज्म है, और क्योंकि हम कैमरे में हैं तो इसलिए ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को दिखा पाना काफ़ी मुश्किल काम है। अब देखिए ये कैलिडियोस्कोप है, पोलराइज्ड लाइट है, पेरिस्कोप है, बिनोकुलर्स हैं, कलर व्हील है, अलग अलग कलर्स डिस्प्ले होंगे 8 GB। दिख रहे हैं बन रहे होंगे अलग अलग कलर 8 GB के। ये मोयर पैटर्न है, ये इमेजिंग बाइंग है, ये देखिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। दिस इज पेरिस्कोप, इन दिस स्क्रीन वी हैव टू पॉइंट्स कनेक्टेड बाय टू बार्स, वन इज दैट इज स्ट्रेट एंड अदर इज कर्व, व्हेन वी अलाउ मासेस टू स्लाइड डाउन साइमल्टेनियसली अलोंग दिस टू पाथ, व्हिच ऑफ दीज टू रीचेस द बॉटम फर्स्ट, सरप्राइजिंगली इट्स नॉट अलोंग द स्ट्रेट पाथ, इट्स द कर्व पाथ ड्यू टू स्लाइडियल पाथ। दिस इज द एक्सपेरिमेंट।
बट इसकी बॉल नहीं है इसमें। लिफ्ट योर सेल्फ, वी कैन पॉसिबली लिफ्ट ऑब्जेक्ट वेइंग मोर देन ऑल सेल्फ, वी कैन नॉट हाउएवर नॉर्मली लिफ्ट ऑल सेल्फ अप, बट द अरेंजमेंट हियर अलाउज अस टू डू जस्ट दैट। स्टैंड सिक्योरली ऑन द प्लेटफॉर्म, पुल द फ्री एंड ऑफ द रोप डाउनवर्ड, द प्लेटफॉर्म अलाउ विद यू मूव अप। दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम, इट इज नॉट इजियर टू लिफ्ट वेट। ये ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ओके लेट्स सी। हाँ हाँ, श्योर सर, दैट विल बी ऑसम। Lift yourself. जैसा कि इसमें बताया गया था, वैसे तो ऊपर खींचना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसमें खींचने में ऐसा लगता है जैसे कि हम कुएं से पानी खींच रहे हैं। This is to demonstrate fully Newton's color plate. देखिए जब तो सारे कलर दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो हमको पूरे प्योर कलर्स दिखेंगे इसको रोटेट करने पे, जबकि ये अलग अलग कलर्स की डिस्क हैं, इसमें अलग अलग एरिया है, और जब इसको रोटेट किया जा रहा है तो एक कलर दूसरे कलर्स के ऊपर सुपर पोजिशन हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। रोक के दिखाते हैं हम आपको इसको कम्प्लीटली। ये देखिए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, दिस इज रोटेटिंग एक्सेस। देखने सेम एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन रेडियस अलग अलग होने के कारण चलिए आपने देखा जिसका रेडियस कम है वो जल्दी पहुंच गया और सबसे लास्ट में बड़ा रेडियस पहुंच गया। यहाँ
यहाँ पे डिफरेंस वेट का है, लाइटर वेट पहले पहुँच गया और रेड वाला हैवी है इसलिए उसे पहुँचने में टाइम लग रहा है। Is balancing the pipe. इसे तुम्हारा लगा दिए ने तुम भी बैठ के देख लो। रिवॉल्विंग चेयर है ये। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग प्लैनेटोरियम में अंदर। अगर कैमरा अलाउ रहा तो अंदर का आपको सीन दिखाएंगे। टिल देन गुड बाय। वी आर एट एंट्रेंस ऑफ दिस जवाहरलाल नेहरू प्लैनेटोरियम एस्टैब्लिश्ड बाय बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन। ये आपको दिखाते हैं पहली बार मेटेरॉइड्स जो दूसरे ग्रह से आते हैं हमारे प्लेनेट पे, उनकी डिटेल्स भी कुछ कुछ दी गई हैं। ये दिस इज अ वेट वेइंग मशीन टू चेक द वेट ऑफ द पर्सन ऑन ईच एंड एवरी प्लेनेट। मैं भी ट्राई करता हूँ। ट्राई कीजिए आप। चलिए सो दिस इज द चार्ट। ये चार्ट मुझे मिला है और हर प्लेनेट पे मेरा कितना वेट होगा और क्या डिटेल्स होंगी ये मुझे दी गई है। अब चलिए इसको घर पे आराम से देखेंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या रहेगा। And NASA of the United States launched its Mars mission on July 30th, 2020. In this episode, we'll focus on the NASA mission, which demonstrates technologies that will surely impact the way we explore Mars in the future. Traveling for about 200 days and covering a distance equivalent to 3 times the Sun-Earth distance, NASA and Mars rover landed safely on February 18th earlier this year. Here's the actual footage of the final moments of touchdown. Happy to call it the 7 minutes of terror for the sheer complexity involved in safely landing.
The helicopter, the instructional program for Earth, successfully took flight on April 19, 2021. The first time such technology has ever been demonstrated on our planet. With a simple vertical liftoff, the helicopter hovered in an extremely thin Martian atmosphere for about 40 seconds before landing. Ingenuity has now made several successful flights, including a round trip of about 250 meters. तो हम लोग का शो ओवर हो गया है. ये हमारा थिएटर और ये चंद्रयान, ये लॉन्च व्हीकल, ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ये चंद्रयान वन और यहाँ हम देख रहे हैं स्पेस कैप्सूल GSLV. और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं. ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिया है. ये ग्रेविटी वेव्स, कोर ऑफ द सन और सेटलर बर्थ, एवोल्यूशन एंड डेथ. और हम यहाँ तो घूम के आ ही चुके हैं. आगे हम लोग आ चुके हैं बाहर. अब